हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका किडनैपिंग का ऑफेंस क्या होता है और इसको कैसे कमिट किया जाता है आपका एबडक्शन का ऑफेंस क्या होता है और इन दोनों ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है

लेट स्टार्ट विथ टुडे सेशन तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम समझेंगे कि किडनेपिंग क्या होता है और एबडक्शन क्या होता है ठीक है अब सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन की अगर बात करते हैं तो एक बहुत ही मेजर सा कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के बीच में रहता है उनको लगता है विच इज़ उनको लगता है कि किडनेपिंग सिर्फ माइनर्स की हो सकती है यानी कि जो 18 साल से कम के हैं उनकी और एबडक्शन सिर्फ बड़ों का यानी कि अडल्ट का हो सकता है तो सबसे पहले तो आपको ये मिसकंसेप्शन हटाना है यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि किडनैपिंग माइनर्स की भी हो सकती है यानी बच्चों की भी हो सकती है लेकिन मेजर्स की यानी कि एडल्ट्स की बड़ों की भी किडनैपिंग हो सकती है सिमिलरली अगर हम एबडक्शन की बात करते हैं तो एबडक्शन भी अडल्ट का हो सकता है लेकिन माइनर्स का भी एबडक्शन जो है वो किया जा सकता है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका किडनेपिंग जो है वो होता क्या है ठीक है अब देखो यहां पे जैसे अगर हम माइनर और किड्स की बात करें यहां पे, तो जैसा कि मैंने बताया माइनर्स जो होते हैं बच्चे जो होते हैं 18 साल से कम होते हैं उनको एबडक्ट भी किया जा सकता है ये जरूरी नहीं है कि माइनर्स को हमेशा किडनैप ही किया जाए अब किडनैपिंग के पर्पज के लिए यानी आईपीसी के अंदर एक माइनर कौन होता है तो लड़के जो कि 16 साल से कम उम्र की एज के हैं वो माइनर माने जाते हैं इस प्रोविजन के लिए और लड़कियां जो कि 18 साल से कम की हैं यूजुअली हम क्या बोलते हैं माइनर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल से कम का है लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ लड़कियों के लिए है लड़कों के लिए 16 साल से कम जो है उनको माइनर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पे हमको इससे पार्ट से क्या समझ में आया कि माइनर्स जो हैं उनको किडनैप और एबडक्ट दोनों किया जा सकता है जरूरी नहीं है वो हमेशा किडनैप किए जाए ठीक है सिमिलरली अगर हम बड़ों की बात करते हैं अडल्ट की अगर हम बात करते हैं यानी कि वो लोग जो कि 18 साल से ऊपर के हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज ध्यान रखनी है कि उनको भी किडनैप किया जा सकता है या फिर एबडक्ट भी किया जा सकता है तो ये पर्पस ये जो चीज मैंने आपको बताई इसको बताने का रीजन ये था कि आप ये समझ पाए कि किडनैपिंग और एबडक्शन जो है वो ऐसे डिवाइडेड नहीं है कि किडनैपिंग सिर्फ बच्चों की होती है और एबडक्शन सिर्फ एडल्ट्स का किया जाता है तो सबसे पहले जब आप ये मिसकनसेप्शन क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप प्रोविजन को बेटर समझ पाएंगे अब देखिए अगर हम किडनैपिंग की बात करते हैं तो सेक्शन 359 आईपीसी का हमें दो टाइप की किडनैपिंग के बारे में बताता है पहली किडनैपिंग कौन सी है थ्री सिक्सटी में जो दी है किडनेपिंग फ्रॉम इंडिया ठीक है ये मेजर की भी यानी कि 18 साल के ऊपर के लोगों की भी या फिर माइनर की भी की जा सकती है यानी कि बच्चों की भी की जा सकती है अब सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में आपको बताता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पर्सन को क्या करता है इंडिया की टेरिटरी के बाहर लेके जाता है या तो उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना या फिर उस व्यक्ति के लिए जो जिम्मेदार है यानी कि जो भी व्यक्ति लीगली ऑथराइज्ड है उस पर्सन के लिए कंसेंट देने के लिए यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है आपके माइनर्स की जिनके गार्डियंस होते हैं जो उनके बिहाफ पे कंसेंट देते हैं तो इसी डेफिनेशन से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इस 360 में किडनैपिंग में आपके माइनर्स भी आते हैं और आपके मेजर्स भी आते हैं ठीक है क्योंकि यहां पे दो लोगों के कंसेंट की बात की गई है या तो व्यक्ति खुद कंसेंट दे सकता है उसके उसके कंसेंट कंसेंट के बिना आप उसे लेके जाते हो या फिर जो बिहाफ बिहाफ पे पे दे सकता है यानी कि माइनर्स जिनके बिहाफ पे उनके लॉफुल गार्डियंस कंसेंट देते हैं तो बिना इन दोनों लोगों के कंसेंट के अगर आप उनको लेके जाते हो इंडिया की टेरिटरी के बाहर तो हम बोलते हैं कि आपने उस व्यक्ति को इंडिया से किडनेप किया है ठीक है आगे देखते हैं 361 में आपको दूसरी टाइप की किडनैपिंग बताई है विच इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स हैं जिन पे स्पेसिफिकली फोकस करना है ताकि आप किडनैपिंग और एबडक्शन के बीच का डिफरेंस समझ पाए यहां पे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो टेक करता है या एंटाइस करता है टेक या एंटाइस का मतलब क्या होता है बहला फुसला के लेके जाना ठीक है को, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है यहाँ पे बहला फुसला के आराम से किसी व्यक्ति को अगर आप लेके चले जाते हो अब यहाँ पे किसकी बात की गई है यहां पे सिर्फ माइनर और अनसाउंड लोगों की बात की गई है यानी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप जिनके लॉफुल गार्डियन उनके लिए ऑथोराइज हैं, तो ये किडनैपिंग सिर्फ माइनर्स की या फिर अनसाउंड माइंड के लोगों की ही हो सकती है यहाँ पे माइनर कौन है 16 साल से कम का मेल और 18 साल से कम की जो फीमेल है या फिर एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति ठीक है इनको अगर आप इनके लॉफुल गार्डियन के पास से लेके जाते हो बिना उनके कंसेंट के अब यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे लॉफुल कंसेंट दिया है लॉफुल uh, गार्डियनशिप लिखा है ना कि लीगल गार्डियनशिप लीगल गार्डियनशिप में कौन आते हैं आपके पेरेंट्स आपके लीगल गार्डियंस होते हैं बट लॉफुल गार्डियनशिप किसी के पास भी हो सकती है यानी पेरेंट्स के पास रिलेटिव्स के पास या किसी के भी पास लॉफुल गार्डियनशिप हो सकती है जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी बताया है तो लॉफुल गार्डियन हर वो व्यक्ति है जो एक टाइम के लिए आपका ध्यान रख रहा है या जिसके पास आपकी कस्टडी है यानी जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल वाले उस टाइम पे हमारे लॉफुल गार्डियन हो सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि अगर किसी माइनर को या फिर किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को उनके लॉफुल गार्डियन के पास से लेके जाया जाता है ठीक है बिना उस लॉफुल गार्डियन से पूछे तो हम बोलते हैं कि आपने ऐसे माइनर या अनसाउंड व्यक्ति को किडनैप किया है फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप तो आई होप थ्री सिक्सटी वन आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे केस है जिसका नाम है वरद राजन स्टेट ऑफ मद्रास अब देखो इसमें क्या होता है एक माइनर लड़की होती है यानी कि अठारह साल से कम उम्र की होती है और उसे कोई लेके नहीं जाता है ना वो टेकन अवे होती है ना वो एंटाइज होती है बट वो अपनी खुद की मर्जी से अपने घर से भाग जाती है इसलिए ताकि कोर्ट में जाके वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर सके तो यहाँ पे उसको कोई लेके नहीं गया था ना बहला के ना फुसला के ना जबरदस्ती करके वो लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे गई थी अब यहाँ पे लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो उस लड़के के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज जो है वो लगा देते हैं बट लड़का यहाँ पे गिल्टी नहीं पाया जाता है क्यों क्योंकि जैसे कि हमने थ्री में देखा यहाँ पे टेकिंग और एंटाइसिंग अवे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ले रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं जहाँ पे ऐसे ही लोगों के ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं बट उनको छोड़ दिया जाता है उनको एक्ट कर दिया जाता है क्यों क्योंकि ये कंडीशन मीट होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी तरीके से उस माइनर को अपने साथ लेके गए लेकिन अगर वो माइनर खुद भाग के अपने पास आ आपके पास आ रहा है जैसा कि इस केस में हुआ यानी कि आपने किसी तरीके से ना तो माइनर को टेक अवे किया ना एंटाइज किया वो लड़की खुद अगर अपने घर से भाग के आ रही है अपनी खुद की मर्जी से तो ये किडनैपिंग नहीं माना जाएगा ये किडनैपिंग तब होता अगर वो लड़का उस लड़की को बहला फुसला के किसी तरीके से या जबरदस्ती उसके घर से या उसके लॉफुल गार्डियन के पास से लेके चला जाता बट क्योंकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो यहां पे लड़के उपर, के ऊपर किडनेपिंग के चार्जेस जो है वो नहीं लग सकते सिमिलरली अगर हम एबडक्शन की बात करते हैं अब देखो किडनेपिंग और एबडक्शन में क्या डिफरेंस होता है एबडक्शन 362 में दिया है और ये बात करता है कि जब फोर्स यूज किया जाता है अभी हमने किडनैपिंग में क्या देखा किडनैपिंग में किसी तरीके का फोर्स यूज़ नहीं है किडनैपिंग में आप आराम से एंटाइज करके बहला के फुसला के प्यार से किसी को लेके जाते हो एक तरीके से उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के यहाँ पे यहाँ पे एक एबडक्शन के के केस में क्या होता है फ़ोर्स यूज़ की जाती है या फिर किसी तरीके के डिसीटफुल यानी कि धोखा देने के तरीके चीट करने के तरीके यूज़ किए जाते हैं एक व्यक्ति को दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए तो हम बोलते हैं कि यहां पे उस व्यक्ति का क्या हुआ है abduction हुआ है। है सिमिलरली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एबडक्शन माइनर का भी और मेजर का भी दोनों का हो सकता है इसके लिए केस है गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट 1972 का केस है यहां पे। अब देखो यहाँ पे जो अक्यूज व्यक्ति होता है वो एक माइनर लड़की को यानी कि ये लड़की अठारह साल से कम उम्र की होती है ये व्यक्ति इस माइनर लड़की को डरा के धमका के जबरदस्ती ठीक है थ्रेटन करके ठीक है फोर्स यूज करके पिस्टल दिखा के उसको अपने साथ लेके जाता है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनर्स का किडनैपिंग भी हो सकता है एबडक्शन भी हो सकता है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि उस माइनर लड़की का क्या हुआ है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप या फिर एबडक्शन तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि उस माइनर लड़की को एबडक्ट किया गया है ना कि उसका किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हुआ है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप तब होता अगर उस लड़की को एंटाइस किया जाता अगर उसको अपने साथ ऐसे ही लेके जाते बट जैसा कि हम फैक्ट से देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़की के साथ फोर्स यूज किया गया था जोर जबरदस्ती की गई थी उसको थ्रेटन किया गया था और जब थ्रेटन यूज किया जाता है तो वो 362 के अंदर एबडक्शन बन जाता है किडनेपिंग में टेकिंग और एंटाइसिंग अवे होता है और एबडक्शन में फोर्सफुल मीन्स होते हैं तो इस केस से हमें पता चलता है कि एक माइनर को एबडक्ट भी किया जा सकता है बस तरीका पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि एबडक्शन है या फिर आपका किडनेपिंग है इसके लिए ये पिक्चर एक एग्जाम्पल है आपके लिए मान लेते हैं ये एक माइनर लड़की है जो कि 18 साल से कम की है कोई व्यक्ति आके इसको चॉकलेट्स देके अपने साथ लेके चला जाता है तो चॉकलेट्स के लालच में ये लड़की उस आदमी के पास जाती है और ये आदमी उसको किडनैप कर लेता है तो यहां पे हम बोलेंगे कि यहां पे आपका हुआ है क्या किडनेपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप यहां पे हम बोलेंगे किडनेपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हुआ है क्योंकि यहां पे उस माइनर लड़की के साथ किसी भी तरीके का फोर्स नहीं यूज किया गया यहां पे उसे एंटाइज किया गया है यानी कि बहला फुसला के लेके गए हैं वहीं पे अगर उस माइनर लड़की के साथ फोर्स यूज किया जाता है जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं यानी कि किसी तरीके से नाइफ यूज करके उसको डरा के धमका के थ्रेटन करके अगर हम उसको लेके जाते हैं तो यहीं पे ये क्या बन जाएगा यहीं पे ये आपका बन जाएगा एबडक्शन का केस तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किडनेपिंग कब होती है और एबडक्शन आपका कौन से केस में होता है ठीक है कुछ और अलग अलग टाइप के आपके किडनैपिंग और एबडक्शन के रीजंस दिए हुए हैं 364 से, जहां पे हमें पता चलता है कि किडनैपिंग किन किन रीजंस के लिए की जा सकती है जैसे किडनैपिंग और एबडक्शन अगर किया गया है मर्डर करने के लिए 364 ए आपको बताता है रैंसम यानी कि फिरौती के लिए अगर किडनैपिंग की जाती है 365 में आपको बताया है अगर किडनैपिंग और एबडक्शन होता है किसी को चुपचाप गलत तरीके से कन्फाइन करने के लिए यानी जबरदस्ती उस व्यक्ति की इच्छा के अगेंस्ट कहीं पे उस पर्सन को बंद करके रखने की देन वी हैव 366 जो कि आपको बताता है अगर किसी महिला का किडनैप या एबडक्शन किया जाता है ताकि उसे ज़बरदस्ती उसकी किसी के साथ शादी कराई जा सके देन वी हैव 367 सिक्सटी सेवन पे बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को किडनेप या एबडक्ट करते हैं स्लेवरी के लिए या फिर ग्रीवियसली उस व्यक्ति को हर्ट करने के लिए एंड 369 में हमें पता चलता है कि 10 साल से अगर कम उम्र के किसी बच्चे को आपने किडनैप या एबडक्ट किया है उस व्यक्ति से कोई चीज स्टील करने के लिए यानी कि मान लेते हैं वो बच्चा कोई गोल्ड की चेन पहना हुआ है या फिर कोई रिंग पहना हुआ है या फिर उस बच्चे के पास कोई एक्सपेंसिव सी चीज़ है लाइक एक एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है या कोई एक्सपेंसिव टैबलेट है कोई एक्सपेंसिव सी वैल्यूएबल सी चीज़ है तो उस चीज़ को चुराने के लिए अगर आप इस आ, इस बच्चे को किडनैप या एबडक्ट करते हैं तो ये आपका थ्री के अंदर एक ऑफेंस माना जाएगा सो गाइज दैट ब्रिंग्स एस टू एंड ऑफ आर सेशन थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आज के सेशन से आपको किडनेपिंग और एबडक्शन क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया होगा इनकेस यू लाइक द वीडियो देन डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आई की जुडिशरी एंड इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट और आप जुडिशरी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो कम एंड इन रोल फॉर आर स्टडी आई क्यू जुडिशरी कोर्सेज जहां पर आपको सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट्स लीगल ट्रांसलेशन जजमेंट राइटिंग ये सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं विथ सेपरेट सेशन फॉर करंट अफेयर्स एंड जी के एंड हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपको सेपरेट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ओके सो थैंक यू सो मच अगेन टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय बाय